हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपके बर्ड्स भी अच्छे होंगे और आप अपने अपने कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको एक बजीस पैरेट की प्रोग्रेस दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है मेल है जो बाहर बैठा हुआ है और ये आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे साइज़ का मेल है और इसकी एज कम से कम 6 साल का ये मेरे पास हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट वगैरह, बहुत अच्छे साइज का मेल है ये। और फ्रेंड्स, मैं आपको फीमेल दिखाता हूँ, इसके अंदर फीमेल बैठी हुई है। और दोस्तों, इसमें 6 एग ले किए हुए हैं और इसके बच्चे भी हैच हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ इसके। तो आप चलिए मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ दिखाने की दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसमें दिक्कत क्या आ रही है थोड़ी सी मुझे, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, तो मुझे अब आपको बच्चे भी दिखाने हैं इसके। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, फीमेल को हटाना पड़ेगा, ऐसे हटेगी नहीं वो, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप, अरे वाह, इसमें 6 अंडे दिए हुए हैं और 6 में से 3 बच्चे निकल गए हैं इसके और 3 अंडे अभी रह गए हैं। तो देखते हैं 3 में से कितने बच्चे और निकलना बाकी है। तो मैंने देखे नहीं थे, मुझे आइडिया था कि 4-5 अंडे इसमें ले कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो। और दोस्तों, मैंने इसको आज ये सॉफ्ट फूड दिया था, कुछ सब्जियाँ वगैरह वेजिटेबल है, कुछ इसमें मूँग की दाल, गेहूँ, काले चने, ये चीज़ें मैंने इनको मिक्स करके दी थी। तो फिनिश कर दिया इन्होंने फ़िलहाल। और ये फीमेल दोस्तों मैंने अभी परचेस की थी इसी सीज़न, क्योंकि ये मेल मेरे पास अकेला रह गया था, मैंने सारे बर्ड जो है किसी को दे दिए थे। तो मैंने सोचा कि ये मेल पुराना है, ये मैं किसी को नहीं दूँगा, तो ये बेचारा अकेला था, तो मैंने इसकी पेयरिंग कर दी। तो अब इसने बहुत अच्छी मुझे ब्रीड भी दी है और मेल बहुत अच्छा है ये। और मैंने केज साइज़ भी इसको देख सकते हो, ये इस तरीके से जो है, ये इस तरीके से जो है लंबाई इसकी 2.5 फुट है, हाइट इसकी 2.5 फुट है और इसकी डेप्थ जो है 1.5 फुट है। ये 2.5 बाई 2.5 बाई 1.5 का केज है, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो इनको पानी, ये बिल्कुल क्लीन, ये सॉफ्ट फूड, ये इनका दाना, सारी चीज़ें इनको मैंने बहुत अच्छी से प्रोवाइड करी हुई है। कोई भी बर्ड है, जब तक हम उसको अच्छा दाना या अच्छा पानी प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो ब्रीड नहीं करेगा। और ब्रीड के लिए सबसे पहले हमें जो है बर्ड हमारा मैच्योर होना चाहिए, मतलब पूरा अडल्ट होना चाहिए और कंफर्म पेयर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई भाई शॉप से बर्ड ख़रीद के लाते हैं तो उनको जो है मेल मेल दे दी जाते हैं, फीमेल फीमेल दे दी जाती हैं, और उनके साथ क्या हो जाता है कि कई बार बच्चे दे दिए जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे। तो अब फ्रेंड्स को पता नहीं होता, तो दोस्तों देख लीजिए, ये जो मेल है इसके रिंग ए आइस में इसके रिंग बना हुआ है, इसका मतलब है ये पुराना मेल है, पुराने मेल की आइस में ही रिंग आता है। और अडल्ट का पहचान आप देख ही सकते हो, इसके नेकलेस जो बना हुआ है नीचे वो खूब अच्छे साइज का है। तो ये देख करके जब भी ख़रीदें, किसी ब्रीडर से ख़रीदें या किसी शॉपकीपर से ख़रीदें, तो भी देख करके ख़रीदें ताकि आपके साथ धोखा ना हो, ठीक है। क्योंकि आपको बच्चे दे दिए जाते हैं, उसके बाद फिर आप जो है वेट करते रहते हैं कि कब ब्रीड करेंगे, कब ब्रीड करेंगे, तब तक वो अडल्ट होते हैं। अडल्ट होने के बाद क्या होता है, पता चला कि दोनों फीमेल फीमेल हैं या दोनों मेल मेल हैं, और फिर इतना वेट देखो करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से ज़्यादा 6 महीने बहुत होते हैं वेटिंग के लिए। बजरी पैरेट में 6 महीने में अगर आपके यहाँ ब्रीड नहीं आई तो फिर बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, फिर मैं आपसे अगली वीडियो में किसी में मिलता हूँ, और अगली बार मैं आपको ज़रूर इससे जो मेरे पास 100 बजरी का पेयर है वो भी ब्रीड पर लगा हुआ है, अगर उसकी कोई प्रोग्रेस आती है तो मैं आपको उसकी प्रोग्रेस शेयर करूँगा, नहीं तो मैं आपको लव बर्ड्स की प्रोग्रेस शेयर करूँगा, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय।